हेलो सभी को नमस्कार। सरिस्का ऑनलाइन क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल हमने जो राजस्थान का सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो आज हम जो उसके आगे जो राजस्थान की जो सीमा है वो जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो कौन से देश से लगती है और कौन से राज्यों से लगती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार रिविजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा था उसका। तो हमने कल पढ़ा था राजस्थान का, एक तो क्षेत्रफल पढ़ा था कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239.76 किलोमीटर है। और फिर हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कुल जिले हैं वो 50 हैं, लेकिन फिलहाल हमारी जो जिलों की स्थिति है वो 33 के हमारे पास है। और जो संभाग है वो भी हमारे जो तीन नए संभाग है वो हमारे तीन नए संभाग बनाए हैं, जैसे सीकर, पाली और बांसवाड़ा, तीन नए संभाग बनाए हैं। इन तीनों को मिला के हमारे संभागों की संख्या है वो 10 होती है। तो वो भी हमने कल देखा था। फिर हमने उसके बाद देखा था कि जो तीन संभाग ये बने थे, जो सीकर, पाली और बांसवाड़ा, उससे पहले जो संभाग बना था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम भरतपुर था और वो परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा उसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रतापगढ़ जिला है उसका गठन कब हुआ था। तो प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो 2008 में किया था। और इसके बाद हमने जो राजस्थान के जो नामकरण है उसके बारे में देखा था कि राजस्थान का नामकरण है वो किस किसने किया था और क्या क्या नाम दिए थे और हमें कहाँ पे उनका वर्णन मिलता है वो हमने देखा था। तो राजस्थान का जो नामकरण है वो हमने देखा था कि राजपूताना शब्द है वो किसने दिया था। तो राजपूताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था, 1800 ईस्वी को दिया था। और जो रायथान है, रजवाड़ा है, और राजथान शब्द है वो हमें कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। उसके बाद हमने जो हमारी जो राजस्थान की जो सीमा है, जैसे उत्तर से दक्षिण की जो हमने वो देखी थी कि वो 826 किलोमीटर सीमा है, और पूर्व से पश्चिम की जो सीमा है वो 869 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 43 किलोमीटर का है। उत्तर में हमने बताया था कि कोणा गांव जो गंगानगर में है, और दक्षिण में हमने बताया था कि बोरकुंडा गांव है जो बाड़मेर में है। और पूर्व में हमने देखा था कि जो सिलाना गांव है वो धौलपुर में है, और पश्चिम की साइड में हमने देखा था कटरा गांव है जो जैसलमेर में है। और राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय है वो सिलाना गांव धौलपुर में होता है। कहाँ पे होता है, सिलाना गांव धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय होता है और वहीं पे सबसे पहले सूर्यास्त होता है। और सबसे बाद में जो सूर्य उदय और सूर्यास्त है वो कटरा गांव जैसलमेर में होता है। इतना हमने कल देखा था। और एक और देखा था कि राजस्थान में जो राजस्थान के लिए है ऋग्वेद में है वो ब्रह्मावर्त शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो चलो हम इसके आगे अब हम राजस्थान की जो सीमा है वो किन किन देशों के साथ और किन राज्यों के साथ हमारी जो सीमा है वो लगती है वो हम अब देखते हैं। तो चलो हम अपना देखते हैं कि राजस्थान की जो सीमाओं का निर्धारण है वो कितनी प्रकार से किया गया है। तो राजस्थान की जो सीमा है इसका निर्धारण दो प्रकार से किया गया है। कितनी प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो केवल एक पाकिस्तान के साथ है हमारी, किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और उस सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ इस सीमा हमारे राजस्थान के साथ लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है, वो हमारे जो पांच राज्य हैं, कितने राज्य हैं, पांच राज्य हैं इनके साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है, पांच राज्यों के साथ लगती है। तो पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है वो क्या नाम है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा नाम है इसका। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के साथ, जैसे अब राजस्थान के साथ तो 1070 किलोमीटर लग गई, लेकिन टोटल भारत के साथ है वो 3,323 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 3,323 किलोमीटर लगती है। इसमें से 1070 किलोमीटर है वो राजस्थान के साथ लगती है। कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है, और 3,323 किलोमीटर है वो पूरी भारत के साथ सीमा का निर्धारण करती है। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो भारत के साथ 3,323 किलोमीटर लगती है, जिसमें से 1070 किलोमीटर मैंने बताया पहले राजस्थान के साथ है, और 3,323 किलोमीटर है वो पूरी भारत के साथ कुल मिला के टोटलिंग है उसकी। फिर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, तो वो चार जिले हैं। कितने जिले हैं? चार जिले हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो वो पहला है जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर है, तीसरा गंगानगर है और चौथा है बीकानेर। ये चार जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान के जिले हैं जो सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इनकी सीमा है तो वो कितनी, कौन सी जिले की सीमा लगती है वो भी हम देखते हैं। तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर सीमा है वो जैसलमेर की लगती है। और 228 किलोमीटर है वो बाड़मेर की सीमा लगती है। गंगानगर की 210 किलोमीटर लगती है और बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है। अब इसमें देखते हैं कि जो सबसे अधिक सीमा है वो किसकी लगती है, तो वो सबसे अधिक सीमा है वो जैसलमेर की लगती है। जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, वो सबसे क्या अधिक सीमा लगती है। और सबसे कम सीमा है वो बीकानेर की लगती है। कितनी लगती है? 168। कितनी है? 168 किलोमीटर सीमा है वो सबसे कम सीमा है जो हमारी पाकिस्तान के साथ बीकानेर की लगती है। अब इसमें आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा नजदीक है और कौन सा दूर है वो भी देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी, इसमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा, नजदीक जिला मुख्यालय है वो गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर है वो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। और सबसे जो दूर जिला मुख्यालय है कौन सा दूर है, वो है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है वो सबसे दूर है और गंगानगर है वो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं। कितने हैं? पाकिस्तान के हैं जो 9 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। पहला इसमें भागलपुर है, दूसरा रहीमी यारखा और घोटकी, सुक्कर संगर है ये, और उमरकोट है, थारपारकर है और खीरपुर है। तो भागलपुर, रहीमी यारखा, घोटकी, सुक्कर संगर, उमरकोट और थारपारकर और खीरपुर, ये जिले पाकिस्तान के हैं जो राजस्थान के साथ क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख ली है, पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर लगती है। उसमें से अब 4850 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा है जो हमारे राज्यों के साथ लगती है। तो वो देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, कि पांच राज्य हैं। कितने राज्य हैं? पांच राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ इनकी सीमा लगती है? तो वो देखते हैं, पहला इसमें मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात और चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है पंजाब। ये पांच राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा है वो 1600 किलोमीटर लगती है, हरियाणा की है वो 1262 किलोमीटर लगती है और गुजरात की 1022 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश की 1877 किलोमीटर लगती है और पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा है वो 1600 किलोमीटर, यानी सबसे ज्यादा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा। और सबसे कम है वो पंजाब की लगती है। सबसे किसकी लगती है कम? पंजाब की। सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश की है वो 1600 किलोमीटर लगती है। अब हम आगे देखते हैं जो राजस्थान के साथ हमने देखी थी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी वो हमने देख ली है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी वो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर जो पांच राज्यों के साथ लगती थी। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तो हमने देख ली, लेकिन इसके बाद हम अंतर्राज्यीय सीमा है वो देखते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं उनके साथ कौन कौन कितने जिले हैं जिनके साथ हमारी उनकी सीमा लगती है। तो देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पांच राज्यों के साथ लगती है। पहला हमें मध्य प्रदेश है राज्य, उसके साथ देखते हैं कि कितनी सीमा है, कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जिले हैं और कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के हमारे साथ राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा है वो 1600 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 10 जिले सीमा बनाते हैं। अब वो 10 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला धौलपुर, फिर करौली, फिर स्वयंमाधोपुर, फिर कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो हमारे जो राजस्थान के हैं जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं।
अब मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। कितने जिले हैं? 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और जो राजस्थान का जो जिला है कि जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा बनाता है, वो कौन कौन से है? तो वो देखें तो सर्वाधिक सीमा है वो झालावाड़ जिले की है। किसकी है? झालावाड़ जिला है, वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। और सबसे कम सीमा है वो भीलवाड़ा की है। किसकी है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला है उसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा लगती है और झालावाड़ की है वो सबसे ज्यादा सीमा लगती है। फिर आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी थी। तो 870 किलोमीटर, मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि 870 किलोमीटर लगी। अब उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं जो क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब सर्वाधिक सीमा है वो भरतपुर की लगती है और सबसे कम सीमा है वो धौलपुर की लगती है। सर्वाधिक सीमा वो भरतपुर से और सबसे कम सीमा है वो धौलपुर से लगती है। फिर उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं वो 2 जिले। कितने हैं? उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आगरा और दूसरा है मथुरा। आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 2 जिले हैं भरतपुर और धौलपुर जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक सीमा है वो भरतपुर की है और सबसे कम है वो धौलपुर की है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं पंजाब की। पंजाब की सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती है। कितनी है? 89 किलोमीटर है। इसके साथ भी राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा सीमा है वो गंगानगर की लगती है और सबसे कम सीमा है वो हनुमानगढ़ की लगती है। किसकी? सर्वाधिक सीमा वो गंगानगर की और सबसे कम सीमा वो हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। और पंजाब के 2 जिले हैं। कितने? पंजाब के भी 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। जैसे राजस्थान के 2 जिले हैं वो पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं, उसी तरह पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब वो पंजाब के कौन से जिले हैं? तो वो है फाजिलका और मुकतसर। कौन सा है? फाजिलका और मुकतसर 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं। तो एक बार हम इनको दोबारा देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्य हैं जैसे पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इनके साथ सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्य सीमा में बताइए कि 5 राज्यों के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर है। इसके साथ राजस्थान के 10 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। वो 10 जिले कौन कौन से हैं वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है धौलपुर है, दूसरा करौली है, सवाईमाधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और इनमें सर्वाधिक सीमा वो झालावाड़ की लगती है और उससे कम सीमा है सबसे वो भीलवाड़ा की लगती है। किसकी? सबसे ज्यादा सीमा है मध्य प्रदेश वो झालावाड़ की है और सबसे कम सीमा है वो भीलवाड़ा की है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 870 किलोमीटर सीमा लगती है और इसके साथ भी राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, भरतपुर और एक धौलपुर बनाता है। भरतपुर सबसे ज्यादा और धौलपुर सबसे कम सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, आगरा और मथुरा है, वो 2 जिले राजस्थान के साथ बनाते हैं। फिर पंजाब है, पंजाब की 89 किलोमीटर सीमा लगती है और इसके भी राजस्थान के साथ 2 जिले हैं राजस्थान के, वो सीमा बनाते हैं। पहला है गंगानगर है, दूसरा हनुमानगढ़ है। गंगानगर है इसकी सर्वाधिक सीमा है और हनुमानगढ़ की सबसे कम सीमा है। और पंजाब के भी 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। एक फाजिलका है, दूसरा मुकतसर है। ये जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है और मैं आशा करता हूं कि आपको सारा मैंने जो बताया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में कुछ आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना आप। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सरिस का ऑनलाइन क्लासेज है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद सभी का।